असलम स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में हम मोटिवेशनल फैक्टर्स जो हैं उनको थोड़ा डिफरेंटली सम अप करने की कोशिश करेंगे हमने इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड बैकग्राउंड मोटिवेशन को डिस्कस किया हमने इन टर्म्स ऑफ पुश एंड पुल फैक्टर्स मोटिवेशनल फैक्टर्स को जो है डिस्कस किया फिर हमने मोटिवेशन की ब्रॉडर और डीपर लेवल पर बात की जिसमें एंटरप्रेन्योर का पर्सनल लेवल या ओवरऑल सोसाइटल या मैक्रो लेवल शामिल हैं बास स्कॉलर्स जो हैं वो ये टर्म्स यूज़ नहीं करते फॉर एग्जांपल आपके सामने आपके कोर्स से रिलेटेड कोई किताब आती है जिसमें एक बिल्कुल मुख्तफ जो है क्लासिफिकेशन या थ्योराइजेशन या अप्रोच मिलती है मोटिवेशन के हवाले से तो उसको इस मॉड्यूल में हमने समअप करना है इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन अपॉर्चुनिटी बास स्कॉलर्स जो हैं उसको एक बड़ा मोटिवेशन करार देते हैं कि डिस्कवरी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो सोशल एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करती है कि वो एक एंटरप्राइज को इस्टेबलिश करें और उस मिशन को ले के आगे चलें ये जो डिस्कवरी ऑफ अपॉर्चुनिटी है ये उसके सोशल एंटरप्रेन्योर के पर्सनल एक्सपीरियंस या उसकी अपनी ज़ाती किसी नीड से रिलेटेड भी हो सकती है उसकी कीन ऑब्जर्वेशन या माशरे की तरफ उसकी और माशरे के इश्यूज की तरफ उसकी जो सेंसिटिविटी है ये उसमें से भी आ सकती है या कोई इतना बड़ा फिनोमेना जैसे नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं जिसमें सोशल एंटरप्रेन्योर्स मोटिवेटेड फील करते हैं दैट दे नीड टू एक्ट कि उन्हें कुछ करने की ज़रूरत है उन्हें कोई एंटरप्राइज इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है उन्हें कोई इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है जिससे सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके सोशल वैल्यू ऐड की जा सके सोशल इम्पेक्ट क्रिएट किया जा सके अपॉर्चुनिटी के अलावा एक दूसरा मोटिवेशनल फैक्टर जो इस तरह की क्लासिफिकेशंस में आता है वो है नेसेसिटी इन टर्म्स ऑफ नेसेसिटी या जरूरत या नीड के सोशल एंटरप्रनोर कोई ऐसी जरूरत जो उसकी करंट सेटअप में पूरी नहीं होती स्टेटस को उसको पूरा करने के रास्ते में है या वो किसी ऐसे वलनरेबर ग्रुप या कम्युनिटी को जानता है जिसका कोई ऐसा मसला है कोई ऐसी नीड है जो कि करंट स्ट्रक्चर्स में फुलफिल नहीं हो रही जिसे मार्केट ने गवर्नमेंट्स ने स्टेट्स ने या तो इग्नोर कर दिया है या वो उसको फुलफ़िल करने के काबिल नहीं है और ज़रूरत है नेसेसिटी है कि उस मसले को हल किया जाए उस सिचुएशन को रिजॉल्व किया जाए तो ये नेसेसिटी जो है ये भी सोशल एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करती है और इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड नेसेसिटी एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन को क्लासिफाई uh, किया जाता है इसी तरह इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स बास जो हैं वो सोशल एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन को क्लासिफाई करते हैं इंटरनल फैक्टर्स से मुराद यूजुअली वो फैक्टर्स हैं जो या तो बैकग्राउंड के लेवल पर आते हैं या माइक्रो लेवल पर आते हैं जो कि सोशल एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड होते हैं उसकी शख्सियत उसका जो सेल्फ एफिकेसी उसकी कैपेबिलिटीज, वो जिस उसके जो रिसोर्स हैं जो उसके इख्तियार में है वो चीज़ें उसके इंटरनल फैक्टर्स में जो उसको मोटिवेट करते हैं वो आ जाती हैं एक्सटर्नल फैक्टर वो एनवायरमेंट है जिसके अंदर सोशल एंटरप्रेन्योर एक्ट करता है अमूमन ये हम बैकग्राउंड कंटेंट में कंटेंट की टर्म्स में या पुश और पुल फैक्टर्स में जो आ, लार्जर पुश फैक्टर्स हैं उनकी टर्म्स में या जब हम बात करते हैं माइक्रो और मैक्रो तो मैक्रो लेवल पे जो फैक्टर्स हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर आ जाते हैं ख़ास तौर पर सोशल प्रॉब्लम्स के हवाले से और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के हवाले से खूस ये वो चीज़ें हैं वो फैक्टर्स हैं एनवायरमेंट के अंदर जो कि सोशल एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करते हैं कि वो एक्ट करे वो कोई नया इनिशिएटिव ले जिससे उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सके जो कि एड्रेस नहीं हो पा रहे हैं इन द करंट सिनेरियो। तो ये मुख्तलिफ़ क्लासीफिकेशनस हैं मुख्तलिफ अप्रोचेज़ आप इन्हें कह सकते हैं आपके पास सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की जो मुख्तलिफ किताबें आएंगी, जो मुख्तु मटीरियल आएगा उसमें ये लैंग्वेज जो है ये मुख्तलफ तरह से इस्तेमाल की गई है लेकिन ये आप जैसे कंटेंट और बैकग्राउंड पुश एंड पुल माइक्रो एंड मैक्रो इसी तरह अपॉर्चुनिटी एंड नेसेसिटी इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स की टर्म्स में सोशल एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन को असेस कर सकते हैं थैंक यू